इम्पोर्ट्स की बात करनी है एंड वी हैव टू टॉक अबाउट द साइट्स राइट. नाउ विल मूव ऑन टू हरप्पन इम्पोर्ट्स. तो इम्पोर्ट्स बिकम इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आप देखोगे तो दे कैन आस्क एक नेगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं दैट गोल्ड वॉज नॉट नोन टू द इंडस वैली पीपल. और फिर उस स्टेटमेंट को अलॉन्ग विद द 3-4 स्टेटमेंट जो और प्रेजेंट है वहां से आपको डिस्टिंग्विश करना है. तो अगर आपको पता है कि नहीं कोलार गोल्ड फील्ड से और ईरान से अफगानिस्तान से गोल्ड वॉज बींग शिप्ड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन तो आप वहां से हटा सकते हो. नहीं गोल्ड तो था तो वहां पर यू कैन डू दैट ऑल राइट. देन कॉपर कॉपर खेतरी माइंस अभी भी खेतरी माइंस 21st सेंचुरी में भी हम खेतरी माइंस को यूज कर रहे हैं. कॉपर वॉज यूज टिन अफगानिस्तान एंड ईरान से. देन लैपिस लजूली लैपिस लजूली वॉज ऑल्सो यूज. तो लैपिस लजूली जो है दैट वॉज एक्चुअली यूज टू मेक द टूल्स और जो ये एक ऑर्नामेंट्स होता था उसको भी बनाने के लिए एंड इट हैड अ वेरी गुड वैल्यू विद इन द इंडस वैली सोसाइटी. शोरतुगाई में है अफगानिस्तान. तो शोरतुगाई ये पूछ सकता है कि शोरतुगाई मतलब ये कौन सा इसमें से इंडस वैली एक साइट है. तो शोरतुगाई को आप कर सकते हो. देन जेड जेड बुद्धा आप जानते हो. जेड पामीर एरिया से जो आज का सेंट्रल एशिया है ताजिकिस्तान वगैरह वहां से इट वॉज बींग शिप्ड. टर्कोइज भी है. स्टियाटाइट जो स्टियाटाइट है इट वॉज यूज टू मेक द सील्स. अभी जैसे हमने डिस्कस किया था सील्स के बारे में दैट हाउ सील्स वेर वेरी इंपॉर्टेंट विद इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन और सील्स का हमने बहुत सारा यूजेस भी हमने पढ़ा था. तो स्टियाटाइट वॉज एक्चुअली यूज टू मेक दैट सील. बिटुमिन बलूचिस्तान से लाया जाता था. लेड साउथ इंडिया से लाया जाता था. देन सिल्वर फ्रॉम ज्वार माइंस इन राजस्थान. इसमें आप अगर लिस्ट देखोगे तो इसमें एक नोटेबल ये एक नोटेबल एब्सेंट एब्सेंटी है दैट इज डायमंड. तो डायमंड वाज एक्चुअली थोड़ा बहुत बहुत सेंचुरीज के बाद इट वाज फाउंड. और डायमंड जो था उसका एक फैक्ट है दैट टिल 1896 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1896 तक इंडिया वाज द ओनली प्लेस जहां से डायमंड जाता था. तो दैट वाज गोल्ड दैट वाज द गोलकोंडा माइंस इन अब शायद आई थिंक तेलंगाना में पड़ता है. तो उसके बाद ही साउथ अफ्रीका में 1896 के बाद ही दे वेर एबल टू फाइंड दैट. तो डायमंड इसमें से मिसिंग है. तो अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है दैट गोल्ड कॉपर जेड एंड डायमंड तो उसमें से यू कैन सेलेक्ट डायमंड वॉज नॉट इम्पोर्टेड और वॉज नॉट नोन टू द हरप्पन पीपल. रिलीजन के बारे में देन अगेन रिलीजन आप सोसाइटी अगर हरप्पन सोसाइटी के बारे में 10-15 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है GS1 में तो हरप्पन सोसाइटी में रिलीजन आप लिख सकते हो. व्हाट व्हाई आई एम सेइंग इज दैट बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी मेरा ऑप्शनल है एंड एंथ्रोपोलॉजी में दे हैव आस्क्ड दैट. तो बेसिक क्वेश्चंस हमेशा वो करते हैं. ज्योग्राफी ऑप्शनल से भी वो बेसिक क्वेश्चंस उठा के GS1 में पूछ देते हैं. पॉलिटिकल साइंस से भी बेसिक क्वेश्चंस उठा लेते हैं. तो आई थिंक आप अगर थोड़ा सीरियस हो इस प्रोसेस के लिए तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज दैट कि एटलीस्ट 5-10 ईयर्स का आप वो उठा लो. PSIR सोशोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी और ज्योग्राफी क्योंकि एक ओवरलैप करता है GS के साथ. एंड यू गो थ्रू द पेपर्स और उसमें से जितने भी नॉन टेक्निकल और नॉन थिंकर्स और नॉन जहां पर लगे कि ये GS में पूछा जा सकता है तो उस पे उसको आप वहां से उठा लो एंड यू मेक लाइक 100-200 वर्ड्स नोट्स ऑफ इट. तो दैट विल सर्व यू वेरी वेल बिकॉज ये मैंने पढ़ा था ऑल इंडिया रैंक 43 शुभम शुभम अग्रवाल और शुभम बंसल थे उनके उनके ब्लॉग में दैट ही हैज डन दैट फॉर ज्योग्राफी. उन्होंने ऑप्शनल था उनका ज्योग्राफी एंड ही हैड प्रैक्टिस ज्योग्राफी ऑप्शनल क्वेश्चंस व्हिच वेयर ओवरलैपिंग विद द GS पेपर. तो ये आप कर सकते हो. तो रिलीजन अब मूविंग मतलब वी विल नॉट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम हियर. तो रिलीजन जो है उसमें इट वाज अ सेक्युलर सोसाइटी. अब नाउ ये थोड़ा कॉन्ट्रोडिक्ट्री हो गया. आई थिंक मार्क्सिस्ट जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस थे उनका कहना था दैट इट वाज अ सेक्युलर सोसाइटी बिकॉज नो सिंगल स्ट्रक्चर वाज फाउंड व्हिच कुड हैव क्वालिफाइड एज अ टेम्पल. बट अगेन एट द सेम टाइम ये लोग ये भी बोल रहे हैं दैट पशुपति महादेव वाज फाउंड जो एक प्रोटो शिवा जो अभी हम महादेव की पूजा करते हैं
इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, तो उसका एक अर्लियर वर्जन वहां पाया गया था. तो हाउ कैन इट बी सेक्युलर, बट स्टिल अगर आप यूपीएससी का टेक्स्ट को आप अपने हिसाब से नहीं मोल्ड कर सकते, तो वील राइट एग्जाम में हम लोग यही लिखेंगे दैट इट वाज अ लार्जली सेक्युलर सोसाइटी. वहां पर सैक्रिफाइस, जो सैक्रिफिशियल एक टेंडेंसी था लोगों का, बिकॉज फायर आल्टर्स, अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो फायर आल्टर्स वेयर फाउंड एट कालीबंगन एंड लोथल. आइडोलेट्री वॉज प्रैक्टिस्ड, वहां पर पशुपति महादेव का आपको मिला था, प्रोटो शिवा जिनको बोला जाता था, लिंगम एंड योनि, जो आज शिवलिंग की पूजा करते हैं, उसका एक अर्लियर वर्जन मिला था. जो हरप्पन पीपल्स थे, अगर आप रिलीजन वाले में देखोगे, तो दे वेयर प्रोबेबली इनटू एनिमिज्म, तो वो दे यूज टू वर्शिप ट्रीज एंड दे यूज टू वर्शिप स्टोन्स एक्सेट्रा. जो हम आज करते हैं, जो आज का हिंदू रिलीजन है, इट इज वेरी सिमिलर जो उस समय का रिलीजन था. और ब्यूरियल वॉज एक्चुअली प्रैक्टिस्ड मोर इन कंपैरिजन टू क्रिमेशन. आज के डेट में जो हिंदू रिलीजन है, उसमें क्रिमेशन ज्यादा करते हैं, बरियल कम करते हैं. तो बरियल, इट आई थिंक इट हैपेंस ओनली इन फ्यू कम्युनिटीज ऑफ साउथ इंडिया, तो वहां पर, बट उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन में बरियल वॉज मोर प्रोमिनेंट देन क्रिमेशन. क्रिमेशन के भी आपको एग्जाम्पल्स मिले हैं, देयर वेयर पॉट्स फिल्ड विथ एशेज, और वहां पर क्रिमेशन हुआ है, बट बरियल वॉज मोर प्रोमिनेंट कंपेयर टू दैट. नाउ अब साइट पे आ जाते हैं. तो साइट से पहले व्हाट वी विल डू ना, दैट वी विल लुक एट द मैप. ऑलराइट, एवरीथिंग ओके टिल नाउ? अगर आप बता सको कोई चैट वगैरह में. यस सर, इट्स ओके। ओके ओके, चलो. तो एक बार मैप देख लेते हैं. मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैप पहले क्या होता था, इफ यू विल सी इन दी 90s में जो क्वेश्चंस आते थे, अगर आपके पास वो होगा, आपके पास एक मृणाल की बुक है या अरिहंत का जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है, तो उसमें यूपीएससी यूज्ड टू गिव मैप, पूरा मैप ही दे देता था प्रीलिम्स के पेपर में, एंड यू हैड टू एक्स एक्स बना देता था, एंड यू हैड टू फाइंड आउट कि कौन सा है. बट क्या हुआ कि उसके बाद दैट पीपल स्टार्टेड मेकिंग लाइक एक्यूजेशंस कि उनके पेपर में सही से प्रिंट नहीं हुआ, तो मैप वाला तो हट गया है. तो यू कैन बी अश्योर्ड कि मैप नहीं आएगा. बट स्टिल जैसे वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर कि क्वेश्चंस आ सकता है दैट अरेंज दीज इंडस वैली साइट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, और ये इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है. तो बिफोर प्रिलिम्स यू विल बी वेल एडवाइज्ड कि आप एक बार जितने भी इंडस वैली साइट्स हैं, एक बार मैप पे भी देख लो, और एक बार तीन चार बार उसको रट्टा भी मार जाओ. तो उसमें से मेन मेन देख लेते हैं. तो अभी जैसे ऊपर में आप देखोगे नॉर्दर्न मोस्ट में, तो शोरतुगाई करके है, शोरतुगाई एकदम नॉर्दर्न मोस्ट में. सो यहाँ से लैपिस, अभी हमने पढ़ा कि लैपिस लजूली आता था. आप आपको ये कर्सर दिख रहा है भाई? कैन यू सी द कर्सर? यस सर। ओके. अगर हाँ, ऊपर में शोरतुगाई है, दैट वहां से लैपिस लजूली आता था. यू कैन सी इट इज इन नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट, वो अफगानिस्तान में एकदम डीप इन दी अफगान, जो मॉडर्न डे अफगानिस्तान है. अब नीचे आ जाओ, सुतकागेन दोर एंड सोटका को और बालाकोट. तो बालाकोट अभी हमने डिस्कस किया था, इट वाज अ पोर्ट सिटी. और सुतकागेन दोर, तो अभी देख सकते हो कि जो अभी कर्सर अगर आपको दिख रहा है, तो सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में, जो साउथ वेस्ट में, सुतकागेन दोर, सो दैट इज इन बालूचिस्तान. फिर गाजी शाह है. बालाकोट को कोट बाला भी बोलते हैं, बिकॉज उसको उन्होंने थोड़ा सा ये बास्टर्डाइज कर दिया है, तो जो बलूची लैंग्वेज है उसमें इसको कोट बाला भी बोलते हैं. देन यू हैव दी आमरी. ये सारा एक देख रहे हो कि मैक्सिमम जो साइट्स है दे आर क्लोजर टू द रिवर्स. यू हैव कोट डीजी, मोहनजोदारो के नीचे देखो कोट डीजी. तो कोट डीजी वॉज आस्ट इन योर यूपीएससी प्रिलिम्स. तो वहां पर काफी, मतलब उस साल इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, तो ये काफी लोगों ने, जो मेरे मेरे सीनियर्स थे या जो भैया लोग थे, उन्होंने दिया था, तो दे वर्न्ट एबल टू आंसर कोट डीजी.
बिकॉज उस समय क्या होता था कि एक बेसिक मैप पढ़ के चले जाते थे, हरप्पा, कालीबंगन और राखीगढ़ी और जो मेन मेन साइट्स है. बट अभी क्या है कि सिंस यूपीएससी हैज एग्जॉस्टेड दैट पार्ट, तो अब इट इज गोइंग इनटू माइन्यूट डिटेल्स. अब छोटा छोटा एरियाज को उठा उठा के, छोटा छोटा साइट्स को उठा के दे आर आस्किंग. अगर आप ये भी देखोगे, मौर्या में भी हम पढ़ेंगे रॉक एडिक्ट्स, अशोका के जो रॉक एडिक्ट्स है, इस साल के प्रिलिम्स में दे हैड आस्ट माइनर रॉक एडिक्ट्स, तो वो भी आई थिंक हार्डली एनी पीपल वेर एबल टू आंसर. जो मेरे सर्कल में था देवन, कोई भी उसको आंसर नहीं कर पाया था. तो अब अगर आप करके जा रहे हो साइट्स, तो यू हैव टू बी वेरी थरो, चाहे वो इंडस वैली का हो गया या अदर टॉपिक्स ऑफ एंशियंट एंड मेडिवल. ढोला आप अगर इधर देखोगे, रन ऑफ कच्छ में टूवर्ड्स गुजरात, तो गुजरात का आप बार्ट लेना, यू डू द पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो अभी साइट्स है, यू डू गुजरात का, एंड देन यू डू राजस्थान का. राजस्थान में आपको कालीबंगन वगैरह मिल जाएगा, एंड देन यू डू हरियाणा का, एंड देन यू डू पंजाब हरियाणा एक साथ. और फिर उससे क्या होगा ना कि कंफ्यूज नहीं होगे कि कहाँ करना है. तो अगर आप गुजरात में देखोगे, तो यू हैव गॉट धोलावीरा, धोलावीरा को डेवलप करने का भी प्लान है इनका. यू हैव गॉट लोथल, यू हैव गॉट कुंटासी, यू हैव गॉट सोमनाथ, एंड दैट यू हैव गॉट सुरकोटाड़ा. फिर राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी इज वेरी इंपॉर्टेंट अभी बहुत न्यूज में. तो राखीगढ़ी कैन बी आस्क्ड इन बोथ योर प्रीलिम्स एंड योर GS1 पेपर. GS1 में पूछ देगा, बिकॉज अभी जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, इट वॉज डिबंक्ड बाई दी फाइंडिंग, जो DNA एनालिसिस हुआ था राखीगढ़ी में, वहां से. तो अब न्यूज में है, इट इज कंटेम्पररी टॉपिक, 4-5 साल से न्यूज में, तो यू नेवर नो. तो इस पे यू विल बी वेल एडवाइज कि आप 10 मार्क्स का राखीगढ़ी पे आप बना के चलो. दैट आप उसमें फिर अगर लिख दोगे ना कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी वॉज डिबंक ड्यू टू दी जेनेटिक एनालिसिस ऑन राखीगढ़ी, तो फिर यू विल गेट दैट एक्स्ट्रा मार्क्स, बिकॉज यू विल बी एबल टू हिट द कंटेक्स्ट कि क्यों पूछा गया इस क्वेश्चन को. तो हरप्पा, हरप्पा है ऑन द बैंक्स ऑफ रावी रिवर. जो छोटा छोटा साइट्स, अगर मतलब उसमें आई डोंट थिंक वील हैव दैट मच टाइम कि हर छोटा साइट्स को करे. तो आई शेयर दिस मैप विथ यू, पीपीटी के पीपीटी में ही है, एंड देन यू विल बी एबल टू डू दैट. चलो अब वील गो टू द साइट्स. एवरीथिंग ओके टिल नाउ? यस सर. ओके बेस्ट. चलो स्टार्टिंग विद द साइट्स. तो तीन चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है. अभी तक यूपीएससी ने साइट और रिवर का मैचिंग नहीं पूछा है. बट अगर आप कोई अच्छा, अगर आपने अभी तक वो फॉलो किया है टेस्ट सीरीज, तो साइट एंड रिवर इज दी फेवरेट क्वेश्चन. राउज का आई वॉज कुछ दिन पहले बना रहा था, तो राउज में काफी इन्होंने पूछा था साइट और रिवर. तो एंड एक्चुअली दिस कैन कम इन योर यूपीएससी, बिकॉज यूपीएससी हैज नॉट एक्सप्लोर्ड द साइट एंड रिवर पार्ट. तो प्रीलिम्स में ये आ सकता है, ठीक है. तो हड़प्पा इज अ मेजर मेजर साइट, उस और दैट इज बेस्ड ऑन दी रावी रिवर. फिर वहां पर क्या क्या मिला था, स्पेशलिटीज क्या है, ग्रेनरीज मिली थी, कॉफिन बरियल था, दैट वाज देयर. वहां पर कॉफिन बरियल के साथ पोस्ट क्रिमेशन बरियल भी था, एंड डांसिंग गर्ल का फिगरीन मिला था. नॉट दैट फेमस डांसिंग गर्ल, जो अभी मतलब आई शो यू द ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, बट एक डांसिंग गर्ल का फिगरीन मिला था. मोहनजोदारो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट, दैट इट वॉज कॉल्ड माउंड ऑफ द डेड, जो मोहनजोदारो का नाम है. इट वॉज बेस्ड ऑन दी इंडस रिवर. वहां पर ग्रेट बाथ था, लार्ज ग्रीनरी थी, यू हैड दी ब्रोंज डांसिंग गर्ल. अब जो ब्रोंज डांसिंग गर्ल है, आई वॉज वॉचिंग दिस, एक एनालाइज कर रहा था टॉपर का आंसर शीट. तो उसमें उस बंदे ने ब्रोंज डांसिंग गर्ल का एक रफ फिगर बनाया था, और उसके वजह से ही हैड गॉट आई थिंक गुड कॉम्प्लीमेंट, और उससे उसका मार्क्स भी अच्छा आया था. यू हैड गॉट आई थिंक 5 out of 10, तो विच इज अ वेरी गुड मार्क्स. मोहनजोदारो में यू हैड गॉट एविडेंस ऑफ हॉर्स. असेंबली हॉल था, मल्टीपिलर्ड असेंबली हॉल था. यहाँ पर आप देखो तो पशुपति सील भी मिला था, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. पशुपति सील भी आप बना सकते हो. आई हैड एक्चुअली मेड दैट पशुपति सील इन माई एंथ्रो, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रो आंसर. तो वहां पर आई हैड गॉट गुड कॉम्प्लीमेंट. तो दीज थिंग, जो छोटा छोटा चीज है ना, यू हैव टू बी क्रिएटिव, और आप मतलब यू कीप योर आईज आईज ओपन, तो एग्जामिनर विल अप्रिशिएट दैट. मदर गॉडेस का मिला था. वी हैड डिस्कस की मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, तो मदर गॉडेस वॉज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन दी हरप्पन, इन दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन.
अब नाउ इट गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग. लोथल, अब लोथल के बारे में, लोथल में अगर आप उसका मैप देखोगे, मैप पे लोथल इज लैंड लॉक्ड, लेकिन लोथल में डॉकयार्ड था. हाउ इज इट पॉसिबल दैट लोथल में, लोथल विच नाउ 21st सेंचुरी में एक लैंडलॉक एक एरिया है, अहमदाबाद से आई थिंक 80 किलोमीटर्स दूर है, बट वहां पर डॉकयार्ड मिला था. डॉकयार्ड कहाँ होता है? डॉकयार्ड जहाँ होता है सी होती है या रिवर होता है, तो वहां पर तो कुछ नहीं है. तो जो थ्योरी है लोथल की, दैट इज दैट कि गुजरात ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज अ आईलैंड. गुजरात एक आईलैंड था, और जो बाकी के इंडस वैली साइट्स थे, जो बाकी के इंडस वैली सिटी स्टेट्स थे, तो दे यूज टू ट्रेड बोट्स पे आते थे गुजरात में. और लोथल वॉज एक्चुअली अ डॉकयार्ड. अगर आप देखोगे लोथल में, तो दे हैव गॉट अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म, और जो आर्कियोलॉजिस्ट है, व्हाट दे सेज दैट दोज अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म, जो कि उठे हुए प्लेटफॉर्म्स हैं, दैट वेर एक्चुअली यूज्ड बाय कस्टम एजेंट्स. जो आज IRS है ना, IRS कस्टम्स में जाते बंदे, उस टाइप से ही उस समय के इंडस वैली सिविलाइजेशन के कस्टम एजेंट्स यूज टू सिट एट दोज अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म इन लोथल, विच सेज दैट विच कंफर्म्स दैट गुजरात वॉज एन आईलैंड. तो ये, अगर ये थ्योरी जो है, इट वॉज आई रेड दिस थ्योरी इन संजीव सन्याल्स बुक, लैंड ऑफ सेवन रिवर्स और द ओशन ऑफ चर्न. तो आई सेंड द बुक लिंक अगर आप इंटरेस्टेड हो, बिकॉज यूपीएससी के लिए दैट बुक कैन बी रेड. और डॉकयार्ड था लोथल में, तो इट इज सिचुएटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ भोगावा एंड साबरमती. वहां पर राइस हस्क्स मिला था, तो दिस इज इंपॉर्टेंट. वहां यूपीएससी प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग आ सकता है, राइस हस्क्स. और फिर हमने पढ़ा था वीट कहाँ मिला था, एंड देन वी स्टडीड कौन सा क्रॉप्स था. डबल बरियल का था. वहां पर पेंटिंग मिली थी ऑन जार. वहां पर पंचतंत्र जैसे हम पढ़ते हैं, तो उसी तरह से एक कनिंग फॉक्स का एक स्टोरी का था, तो जार पे वो दैट वाज डिपिक्टेड. तो दैट वाज फाउंड इन लोथल. तो जो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो पॉइंट पॉइंटर्स है, तो दिस कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स, तो एक बार देख लेना. और एंड इफ यू आर क्रिएटिव इनफ, तो दीज पॉइंट्स कैन ऑल्सो बी यूज इन योर एसे एंड इन योर GS1 आंसर. तो ऐसे में क्या कर सकते हो कि अगर जैसे आई टॉक अबाउट, जब ऐसे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो स्पेक्लिक मॉडल होता है, तो उसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिखते हो, तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आप लोथल के बारे में लिख सकते हो. तो यू यू हैव टू बी क्रिएटिव इनफ यूपीएससी में. मूविंग ऑन, कालीबंगन, कालीबंगन इसका जो लिटरल मीनिंग होता है, ब्लैक बैंगल्स होता है. इट इज सिचुएटेड ऑन द घाघर रिवर. तो घाघर इज नाउ अ ड्राई स्ट्रीम. घाघर उतना, मतलब उतने फ्लो से नहीं जाता है. कालीबंगन में एक पेक्यूलियर बात थी कि वहां पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था. बाकी सारे हरप्पन साइट्स में ड्रेनेज सिस्टम बहुत तगड़ा था, कालीबंगन लैक्ड अ ड्रेनेज सिस्टम. कालीबंगन में जो जो फील्ड्स मिला था कालीबंगन में, दैट वाज प्लाउड. तो वहां से जो आर्कियोलॉजिस्ट है, दे गॉट क्यूरियस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली. प्लाउड फील्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज जो अगर आपका फील्ड्स प्लाउड है, तो इट मीन्स कि एग्रीकल्चर इज मोर एडवांस्ड. आपका जो ये है, इट मीन्स दैट योर टूल मेकिंग इज मोर एडवांस्ड. फिर वहां पर कालीबंगन में यू हैव गॉट फायर ऑल्टर्स. तो वहां पर एक कल्ट ऑफ सेक्रीफाइस का प्रेजेंस था. वहां पर जैसे हम आज बलि देते हैं, आप जाओगे कामाख्या टेम्पल में एंड अदर टेम्पल्स में, तो वहां पर बलि का जो प्रथा है काली माँ के टेम्पल्स में, तो वो वहाँ कालीबंगन में भी प्रेजेंट था. वहां पर कैमल के बोन्स थे. तो ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये कैमल वॉज यूज इन कालीबंगन. तो फिर आपको प्रिलिम्स में पूछ सकता है, बिकॉज हॉर्स का के बारे में पूछा था, एंड देर वॉज दिस क्वेश्चन ऑन ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड इन सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हरप्पन कल्चर. तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. तो कैमल वॉज फाउंड इन कालीबंगन, सिटेडल था और ब्रिक वॉल प्रेजेंट था. नाउ मूविंग ऑन टू चानूदारो. तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. वाई? बिकॉज इट इज द ओनली हरप्पन सिटी विदाउट अ सिटेडल. क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी डिड नॉट हैड अ सिटेडल. तो उसमें आपको चार ऑप्शन दे देगा, चानूदारो, हरप्पा, कालीबंगन, रोपर एंड बनावली एक्सेट्रा. तो वहां से आपको चानूदारो पिक करना है, विच वॉज सिचुएटेड ऑन द इंडस रिवर. वहां बीड फैक्ट्री था और फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर नहीं था. तो जो चानूदारो है, उसका एक पॉइंट दैट इट इज द ओनली हरप्पन सिटी विदाउट अ सिटेडल, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू.
देन मूविंग ऑन रंगपुर में, रंगपुर रंगपुर वॉज फाउंड इन गुजरात, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, इट इज अ माइनर साइट बट स्टिल अब माइनर पूछ रहा है तो वी हैव कवर्ड इट। बनावली हरियाणा, इट इज एन इम्पोर्टेंट साइट, वहां पर आपको अगर काली बंगन में यू हैड गॉट द एक्चुअल एक्चुअल प्लाउ, तो यहाँ पर आपको क्ले मॉडल मिला था प्लाउ का, विच मतलब जो वहाँ के इंडस वैली सिविलाइजेशन के बच्चे खेलते हैं, अगर इफ यू गो टू द नेशनल म्यूजियम इन दिल्ली तो वहां पर रखा हुआ है। सेरामिक और स्टीटाइट का सील्स मिला था बनावली में, बार्ली का रिमेन्स मिला था। तो हमने क्या क्या पढ़ा, जैसे राइस का हमने पढ़ा था कि लोथल में मिला था, वीट हमने पढ़ा था कि कालीबंगन में मिला था, तो बनावली में हमें बार्ली मिला था। तो इसी तरह से एक आप डाटा बैंक बनाते जाओ पोटेंशियल फैक्ट्स का, विच कुड कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स। तो इसको जैसे 10 पेज का नोट्स है, ये जो अभी मैं आपको नोट सेंड करूंगा जो जिससे हम पढ़ रहे हैं अभी, तो इट इज अ 10 पेजर नोट। वो आपको अब आपकी ड्यूटी है कि आप उसको 2 पेजेस या 3 पेजेस में बना दो, ताकि जब प्रीलिम्स से आप 1 दिन पहले 2 दिन पहले करोगे तो 5 मिनट्स में ये टॉपिक आपका हट हो जाएगा, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू अदर टॉपिक्स। आलमगीरपुर ऑन द बैंक्स ऑफ हिंडन, तो आलमगीरपुर हमने पढ़ा था कि ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में था, एंड दिस इज एक्चुअली हिंडन रिवर इज एक्चुअली इन यूपी, तो यूपी में था ये आलमगीरपुर। कोट डीजी, इट हैज बीन आस्क्ड इन अगेन इन प्रीलिम्स, सिंध में था। हाउसेज वेयर मेड ऑफ स्टोन एंड सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड बाई फोर्स, तो आर्यन इन्वेजन जो थ्योरी था वो उसमें क्या कहता था कि जो सिटी जो आर्यन्स थे दे केम एंड दे इन्वेडेड द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड दे रिप्लेस दैट। तो बाकी सारे जितने भी साइट्स है वहां पर कोई भी इन्वेजन का आपको वो नहीं मिला था, एक वहां पर आपको इन्वेजन का वो नहीं मिला था, एक प्रूफ नहीं मिला था, बट हेयर इन कोट डीजी इन सिंध वो आपको मिला था, दैट इट वाज एक्चुअली डिस्ट्रॉयड बाय फोर्स। सो एवरीथिंग गुड टिल नाउ, इफ समवन कैन कंफर्म। यस सर, राइट राइट। देन मूविंग ऑन राखी गढ़ी, राखी गढ़ी इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर GS1 पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इट इज अ कंटेम्पररी टॉपिक। राखी गढ़ी में अभी न्यूज में चल रहा है आर्यन इन्वेजन थ्योरी में, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल एज वेल, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में अगर आप टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रहे हो एंथ्रोपोलॉजी के, तो यू नो कि राखी गढ़ी इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10 मार्कर में पूछा जा सकता है बोथ GS1 एंड योर एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2। और राखी गढ़ी में, राखी गढ़ी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो अभी तक चला आ रहा था दैट आर्यन इन्वेजन थ्योरी का, इट इट इज एक्चुअली डिबंक्ड फ्रॉम राखी गढ़ी, जो जेनेटिक एनालिसिस हुए थे एक वुमेन के बॉडी पे। और आपको बहुत मतलब जान के एक काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको जान के मतलब यू बी वेरी शॉक्ड दैट आज के जो हरियाणा के इनहेबिटेंट्स हैं, जो आज हरियाणा में रहते हैं लोग, उनका जो ये एक उन्होंने बनाया था फेस मॉडल बनाया था, बिकॉज आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, तो उन्होंने एक फेस मॉडल बनाया था फ्रॉम दी रिमेन्स ऑफ दी पीपल फाउंड इन राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी इज इन हरियाणा, और जो उन्होंने कंपैरिजन किया था उस समय के लोगों का फेशियल स्ट्रक्चर और आज के जो हरियाणा के एवरेज जो लोग हैं, नेटिव्स हैं, उनका स्ट्रक्चर, तो इट वॉज 95% और 90% सिमिलर। तो एक बहुत अच्छा लेक्चर है, अगर आपको समय मिले तो यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब, आई विल फाइंड इट एंड देन आई विल सेंड यू द लिंक। तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा से वो किया था, तो दैट एक्चुअली डिबंक द थ्योरी की वो आर्यंस ने रिप्लेस कर दिया था, रादर राखी गढ़ी प्रूव दैट आर्यंस केम एंड दे असिमिलेटेड विद इन द इंडस वैली पॉपुलेशन। तो जो राखी गढ़ी है उस पे आप 10 मार्कर्स का नोट्स बना लेना, मे बी इफ पॉसिबल तो हम लोग इसको अपने आंसर राइटिंग में भी प्रैक्टिस कर लेंगे। सो इट वाज द लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट एंड टाउन, उससे पहले राखी गढ़ी मतलब इट इज अ रीसेंट डिस्कवरी दैट इट वाज द लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन टाउन साइट। और जो ऑल 3 फेजेस है, दैट इज द अर्ली, दैट इज द मैच्योर फेज एंड दैट इज द लेट हरप्पन फेज, तो दैट हैज बीन शोन इन राखी गढ़ी। देन मूविंग ऑन धोलावीरा, धोलावीरा इज एन इम्पॉर्टेंट साइट बिकॉज 2020 का जो बजट है उसमें बोला गया था दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल इस धोलावीरा को, इट विल डेवलप एज अ हेरिटेज साइट, इट विल डेवलप एज अ टूरिस्ट साइट। तो धोलावीरा प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आई गेस इम्पॉर्टेंट है। तो वहां पर आपको वाटर, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, धोलावीरा में वाटर, ये क्वेश्चन आया था 2022 के प्रिलिम्स में, दिस वॉज आस्क्ड इन 2022 प्रिलिम्स। तो वाटर
एवरीथिंग वाटर, अगर वाटर का कुछ भी आए तो धोलावीरा से जोड़ देना. तो दैट इज हाउ यू मेक माइंड मैप्स, जाइंट वाटर रिजर्वॉयर, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, देन यू विल फाइंड साइन बोर्ड्स इन हड़प्पन स्क्रिप्ट. सुरकोटाडा इन गुजरात साबरमती रिवर के पास था, वहां पर आपको हॉर्स एंड हॉर्सेस का बोन्स मिला था. तो एक इंटरेस्टिंग चीज हुई थी दैट यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा था दैट हॉर्स मिले थे कि नहीं मिले थे ये तो. बट उसमें क्या हुआ था कि उन्होंने जो आंसर रखा था आंसर की में उन्होंने रखा था कि नहीं हुआ था, हॉर्सेज वेयर नॉट फाउंड इन इंडस वैली. बट बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे उस समय के तो उन्होंने हॉर्सेस पे किया था थिंकिंग की ये सुरकोटाडा में पढ़ा था दैट देवर बोन्स ऑफ हॉर्सेस. तो यूपीएससी डज मतलब थोड़ा सा मिस्टीरियस वे में वर्क करता है, तो यू हैव टू टेक इट एज अ पार्ट ऑफ द गेम. कभी कभार गलत भी हो जाता है बट यू हैव टू टेक योर चांसेस ऑल्सो इन प्रीलिम्स. देन मूविंग ऑन टू रोपर, रोपर पंजाब में आईआईटी रोपर से आपको याद हो जाएगा ये, वहां पर डॉग बरीड था बिलो ह्यूमंस, सिमेट्री सील्स थी, अर्दन पॉट्स था एंड इट वॉज ऑन दी बैंक्स ऑफ सतलज रिवर. तो रोपर इंपॉर्टेंट क्यों है, आई टेल यू वाई. अगर आप देखोगे ना प्रीवियस ईयर पेपर उठा के तो उसमें मान लो कि चार ऑप्शन है, वन साइड टू साइड थ्री साइड फोर साइड. अगर उसका आंसर थर्ड साइड है उस क्वेश्चन का तो देर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ विच वे आर नॉट इन्वॉल्व, थर्ड आंसर है लेकिन फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ साइड आर नॉट इन्वॉल्व इन दैट आंसर. बट नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर फर्स्ट सेकेंड फोर्थ से क्वेश्चन आ जाएगा. ये बहुत हुआ है, मतलब अगर आप एनालिसिस करोगे प्रीवियस ईयर पेपर का तो बहुत होता है कि ऑप्शंस जो कि इन्वॉल्व नहीं है पुराने क्वेश्चंस में उनसे उनको भी आपको पढ़ना होगा. तो रोपर वाज यूज्ड इन दिस ईयर्स प्रीलिम्स, 2022 के प्रीलिम्स में रोपर वाज यूज्ड. तो रोपर बिकम इम्पोर्टेंट. तो रोपर आप याद रखना कि पंजाब में है एंड सतलज में, सतलज रिवर के बैंक्स पे है. वहां पर डॉग मिले थे बरीड विथ ह्यूमंस और सिमेट्री सील्स था, अर्दन पॉट था. देन यू हैव आमरी, आमरी आई थिंक इज इन पाकिस्तान, इंडस रिवर के पास था, प्री हरप्पन सेटलमेंट्स. यू हैव गॉट रिमेन्स ऑफ राइनोसेरोस. तो दिस इज लाइक जस्ट गिव इट अ पासिंग रीड. आई डोंट थिंक कि अगर ये पूछेगा, अगर पूछेगा भी तो नो वन विल एबल टू आंसर. बट स्टिल आई हैव गिवन यू द लिस्ट में, तो एक बार देख लेना. आमरी इज इन पाकिस्तान, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस एंड इट हैड प्री हरप्पन सेटलमेंट अलॉन्ग विथ रिमेन्स ऑफ राइनोसेरोस. तो राइनोसेरोस वॉज एक्चुअली प्रेजेंट इन दैट पशुपति सील. तो पशुपति सील आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे एनिमल्स है, तो वो उस एनिमल्स उसमें वन ऑफ द एनिमल वॉज राइनोसेरोस. बट राइनोसेरोस वॉज नॉट वेरी कॉमन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो सुक्टा गेंदोर, it is situated on the Dasht river. Copper axe mila tha and earthen bangles mila tha. Okay, to ek question tha, ye GS1 ka actually answer hai. To GS1 hi hum baad mein answer writing karenge, but pointers abhi aap le lo mere se. Question hai that the ancient civilization in the Indian subcontinent differed from those of Egypt, Mesopotamia and Greece in that its culture and traditions have been preserved without a breakdown to the present day. To ye question tha, to आप देख सकते हो कि उसमें लिखना था आपको कि इजिप्ट और मेसोपोटामिया और ग्रीस, ग्रीक सिविलाइजेशन है तो उसका जो कल्चर और ट्रेडिशंस है वो अभी तक मतलब ये आज के जो ग्रीस और आज का जो इराक है, इराक मतलब मेसोपोटामिया, इराक जो मॉडर्न डे इराक है उसमें है, और जो ग्रीस है वहाँ वो ग्रीक जो ग्रीक सिविलाइजेशन था दैट वाज अ पागन सिविलाइजेशन. वो ज्यूस गॉड हरक्यूलिस और इनको मतलब उनको पूजा करते थे. बट आज की डेट में ग्रीस इज अ क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स कंट्री और ये इराक इज अ मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री और इजिप्ट इज ऑल्सो मतलब पूरा चेंज हो गया है. अभी फैरो की कोई बात नहीं करता है. बट कंपेयर टू दैट जो हम लोग का सिविलाइजेशन था दैट हैज बीन प्रिजर्व्ड. तो इसको आप कैसे लिखोगे, आईबीसी का जो सिविलाइजेशन तो वह आप लिख सकते हो. हमने अभी बात की थी जो लिंगम के बारे में, बहुत सारा जो सोसाइटीज के बारे में जो सेक्युलर कैरेक्टर है. देन अगेन यू कैन टॉक अबाउट
जो अभी जो ये बीड्स वगैरह बनते हैं, तो बीड्स अभी भी बनते हैं. बैंगल्स, बैंगल्स जो है, दैट बैंगल्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी पाया जाता था, एंड दैट दैट इज स्टिल वॉर्न बाई आर वुमेन. मतलब आज के आज इंडियन वुमेन वो अभी भी पहनती है. तो यू कैन राइट अबाउट दिस. अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि मेसोपोटामिया और हरप्पा में सिविलाइजेशन में क्या डिफरेंस है, तो यू कैन राइट दैट हरप्पा में जो टाउन्स था, दे वेर नॉट प्लान्ड, सॉरी, दे वेर प्लान्ड एंड दे हैड एक्सेलेंट ड्रेनेज सिस्टम और एक चेसबोर्ड सिस्टम था. जो इजिप्ट और मेसोपोटामिया का था, वहाँ हाफ हजार्ड ग्रोथ थी, देर वॉज नो प्लानिंग. हरप्पा में था दैट जो पॉटरी और सील्स था, वो एक एक पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक के साथ प्रोड्यूस किया जाता था, एक उसका यूज था सील्स का, लेकिन इजिप्ट और मेसोपोटामिया में कोई यूज ऐसा नहीं था. देन जो हरप्पन्स थे, दे इन्वेंटेड देयर ओन स्क्रिप्ट, और अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया. अभी हमने बात की थी ना कि एवरी अल्टरनेट लाइन वाज रिटन, वन इफ वन लाइन वाज रिटन लेफ्ट टू राइट, देन द सेकंड लाइन वुड बी रिटन राइट टू लेफ्ट. और जो ईच सिंबल्स था हरप्पन सिविलाइजेशन, हरप्पन स्क्रिप्ट का, तो इट कैरीड अ डिफरेंट मीनिंग. बट इजिप्ट का जो हायरोग्लिफिक्स है, और जो सुमेरियन और मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है, उसका अभी तक जो ये स्क्रिप्ट है, दैट हैज बीन डिसाइफर्ड, और काफी उस पर वर्क भी किया जा चुका है. और 1900 BC के बाद उसका जो एग्जिस्टेंस है इंडस वैली का, वो एकदम घट गया था, और 1300 के बाद तो खत्म ही हो गया था. बट इजिप्शियन एंड योर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इट कंटिन्यूड वेल बियॉन्ड 1900 BC. इट वॉज स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया. जो इंडस वैली था, तो वो बहुत वाइड एरिया था, महाराष्ट्र तक में आपको मिला है. एंड जस्ट थिंक, अफगानिस्तान से लेके महाराष्ट्र, और ईस्ट यूपी से लेके ईरानियन बॉर्डर तक, आपको मतलब इतना बड़ा एरिया को कवर किया था. एंड बट कंपेयर टू दैट, जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन था, इट वाज बेसिकली नाइल रिवर के ही पास में, इजिप्ट में जो नूबिया, जो उनका सदर्न रीजन है, वहां वहां वहीं तक था. तो इट इट डिड नॉट इनकम्पास अ वेरी लार्ज रीजन. जो एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज द सिक्स्थ पार्ट, आप अगर आप देखोगे तो बर्नड ब्रिक्स यूज हुए थे IVC में. अभी हमने स्टार्ट किया था लेक्चर, यू वुड रिमेम्बर कि कैसे डिस्कवरी हुई थी, दैट जो ब्रिक्स थे उसका क्वालिटी इतना अच्छा था दैट ब्रिटिशर्स वेर यूजिंग इट टू मेक देयर रेल रोड्स. और जो मेसोपोटामियन था, वहाँ ड्राइड एंड बेक्ड ब्रिक्स हुआ था यूज. सो दीज आर द डिफरेंसेस विच यू कैन राइट अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा. तो जो ये नोट्स है, हमने डिस्कस कर लिया है, 10 पेजर है, आई विल शेयर इट विथ यू, और 5-6 सोर्सेस के साथ है. और दिस इज द फिगर जो हमने अभी बात किया था. यू कैन मेक, एक रफ स्केच है उसका, आप बना सकते हो इन योर GS पेपर. एक छोटा सा साइड में ना क्या करना कि एक वो बना लेना, एक बॉक्स टाइप का बना लेना, और उसमें फिगर लिख के डांसिंग ब्रॉन्ज गर्ल, और एक ये इस टाइप का बना देना, तो इट इट गोज वेल. और ये पशुपति सील है, पशुपति सील है, इसमें आप देख सकते हो टाइगर है, यू हैव गॉट दी राइनो, यहाँ राइनो है, यू हैव गॉट दी बाइसन, और डिफरेंट एनिमल्स है. यहाँ पर आपको बफेलो है, वाटर बफेलो, एंड दिस इज दी टाउन प्लानिंग अगर आप देख सकते हो. तो ये बाथ है, विच वॉज बाथ रिचुअल का काम करता था, आई थिंक, जो जितना मैंने पढ़ा है और जितना लिखा हुआ है इसमें. तो एक ये दिस वॉज मोर, नॉट मोर ऑफ अ सोशल स्पॉट, यहाँ पर रिचुअल्स ज्यादा किए जाते थे बाई दी प्रीस्ट. तो आई थिंक जैसे अभी बैप्टिज्म होता है क्रिश्चियनिटी में, तो उसी टाइप का कुछ टाइप, उस टाइप का रिचुअल्स होता था. और आप देख सकते हो कितना, मतलब कितना ब्यूटीफुल टाउन प्लानिंग किया गया है. एवरीथिंग इज वेरी सिस्टमेटिक, ग्रिड प्लानिंग है. तो आई थिंक दिस इज इट. नोट्स एंड PPT स्लाइड्स विल बी प्रोवाइडेड इन दी ग्रुप. और अभी आई विल सेंड द क्विज इन द टेलीग्राम ग्रुप, एंशियंट एंड मेडिवल टेलीग्राम ग्रुप, एंड विद 24 आवर्स तक ओपन रहेगा. आप जब भी आपको सहूलियत हो, आपको यू विल गेट दी टाइम, आप उसको करना. और डू रीड दी नोट्स फर्स्ट, और उसके बाद अटेम्प्ट द क्वेश्चन, तो फिर ठीक रहेगा. और दैट वॉज इट फ्रॉम माई साइड. अगर आपको कुछ डाउट है, तो यू कैन आस्क दैट, ऑल दो वी हैव गॉट ओनली लाइक 1.5 मिनट. आई ओपन दी, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ. ओके, एनी वन हैज एनी डाउट्स? एनी क्वेश्चन ऑन द सेंट्रल फिगर ऑन द पशुपति सील? पशुपति सील पे क्वेश्चन यार आ सकता है प्रीलिम्स में,
मेंस में तो बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा, तो पशुपति सील जो है दैट कैन बी आस्क कि कहाँ से पाया गया था, एंड देन यू कैन, वो आपको दे देगा साइट्स वगैरह। बट अभी क्या है कि यूपीएससी हैज इवॉल्व सो मच ना दैट ये उस टाइप का आपको नहीं, मतलब आप पढ़ नहीं सकते हो। सो आप मतलब यू कीप इन माइंड कि कौन सा साइट था, और उसका एक रफ स्केच बना लेना अगर GS1 में क्वेश्चन आएगा सोसाइटी या उस पे IVC पे। दैट्स इट। श्योर सर, थैंक यू। थैंक यू। आई थिंक समय हो गया है, तो आई विल पोस्ट द क्विज, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। चलो, थैंक यू सो मच, आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग। बाय बाय।